जो अभी सरकार हैं, असम सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं हेमंत बिस्व शर्मा, ऑनरेबल हेमंत बिस्व शर्मा जी हैं, उनका हमेशा ये रहा है, एक माटो रहा है कि हमारा जितने भी यहाँ पे जो थाने हैं, यहाँ के पुलिस लोग हैं, दे शुड बी चाइल्ड फ्रेंडली, वुमेन फ्रेंडली। এবারের দুর্গাপূজা নির্বিঘ্নে কাটাতে পারবেন কিশোরী যুবতী মহিলারা। যত্রতত্র ইফতিজারদের হাতে উত্তক্ত হতে হবে না। মুখে ও মাথায় কালো কাপড় বাঁধা সম্পূর্ণ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অ্যান্টি রোমিও স্কোয়াডের সদস্যদের চোখে পড়লে ওইসব উত্তক্তকারীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রায় এক সপ্তাহ ধরে কঠোর অনুশীলন করেছেন স্কোয়াডের সদস্যরা, রপ্ত করেছেন বিভিন্ন কলাকৌশল। আজ স্কোয়াডের প্রশিক্ষণের শেষ দিনে পুলিশ প্যারেড গ্রাউন্ডে উপস্থিত ছিলেন কাছাড়ের পুলিশ সুপার নোমাল মাহাতো সহ পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকরা। পরে পুলিশ সুপার জানান, কারো বিরুদ্ধে কড়া পুলিশি আইন প্রয়োগ করা হবে না, অপরাধ দমন করাই হলো মূল উদ্দেশ্য। তবে কেউ যদি জেনে শুনে অপরাধ করে থাকে তাহলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে না, বললেন কাছাড়ের পুলিশ সুপার নোমাল মাহাতো। चलो पांच ये दिखा, यहां से क्या करना, ये हाथ को धीरे से लेना, सड़ जाओ, ये हाथ को धीरे लेना और इसको क्या करना, यहां से घुसाना और ये दिखा दिखा, ये लॉक है, ये जितना हिलेगा वो क्या होगा, आप आराम से इसी उसको लेके आ सकते हैं। जो अभी सरकार है, असम सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं हेमंत बिस्व शर्मा, ऑनरेबल हेमंत बिस्व शर्मा जी हैं, उनका हमेशा ये रहा है, एक माटो रहा है कि हमारा जितने भी यहाँ पे जो थाने हैं, यहाँ के पुलिस लोग हैं, दे शुड बी चाइल्ड फ्रेंडली, वुमेन फ्रेंडली। तो हम लोगों ने इसके तहत, हम लोगों ने ये जो पूजा में बहुत तादाद में लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं, आपको मालूम है कि ये सिलचर जो जिले, सिलचर जो एरिया है, जो सिटी है, यहाँ पे बहुत पुराना सिटी है और ऐतिहासिक सिटी है, तो यहाँ पे जो पूजा लोग सेलिब्रेट करता है, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं। तो इसमें होता है कि काफ़ी जो पब्लिक लोग, पहले हम लोगों ने जब मीटिंग किया, पब्लिक लोग ने हमको बताया कि यहाँ इफ्तिज़ाम का कुछ केसेस होते हैं और महिलाओं के ऊपर गलत व्यवहार करते हैं, बच्चों के ऊपर गलत व्यवहार करते हैं। तो इसके तहत हम लोगों ने एक स्क्वाड बनाया है जिसको हमने नाम दिया है एंटी रोमियो स्क्वाड। तो इस स्क्वाड को हम लोगों ने, जो हम लोग स्पेशलिस्ट लोग हैं, जो ट्रेंड लोग हैं, हम लोगों ने मंगवाए हैं, उन लोगों से हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं और उन लोग को हम ब्रीफिंग कर रहे हैं, बिहेवियर कैसे कर सके, कैसे अच्छा से व्यवहार कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ट्रेनिंग देते हुए ये लोग को क्या है कि आने वाले जो पूजा के टाइम माहौल है, इसमें कई महिला के ऊपर कोई गलत व्यवहार ना हो, किसी लड़की के ऊपर कोई गलत व्यवहार ना, किसी बच्चे के ऊपर कोई गलत व्यवहार ना हो, इसके लिए हम कोशिश करेंगे। और हम लोगों ने यही, इसी मकसद से ये हम लोगों ने ये स्क्वाड बनाया है और हम लोग जो यहाँ के जो पब्लिक है, सबसे हम ये कोशिश करेंगे और हम करेंगे कि वो लोग अमन शांति से रहे, पूजा अच्छे तरह एंजॉयमेंट करें, क्योंकि ये पूजा सबके लिए है, सबके लिए। इस टाइम में अगर कोई गलत चीज़ें हो जाता है तो सबके लिए, किसी के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो हम लोगों ने सब पब्लिक से भी हम चाहेंगे कि सब हमको कोऑपरेट करें, हम प्रशासन अगर हम हैं तो हम आपके लिए हैं, आपके कार्रवाई के, आपके अच्छे के लिए है, आपको अमन शांति के लिए हम लोग हैं। तो हम हमेशा 24 आवर्स आपके लिए तैयार है और जो स्पेशल स्क्वाड बना है, हम कोशिश कर रहे हैं इसके थ्रू कि यहाँ पे जो महिलाएं हैं, पर्टिकुलर जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जो बच्चे हैं, इनके ऊपर कोई गलत व्यवहार ना करें। और ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू बराक।